पुरानी पेंशन योजना बहाली और जेसीसी की प्रस्तावित बैठक को लेकर आज चंबा जिला के इरावती होटल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अजय जरियाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए महासंघ की विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि महासंघ की मांग है कि प्रदेश सरकार जेसीसी की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, पुरानी पेंशन योजना बहाली करने, अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की दिशा में कदम उठाएं ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का अंत हो। इस दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। आज लगभग 4 या 5 वर्षों के उपरांत आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। जो कर्मचारियों से संबंधित मामले हैं, सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को जो मान्यता दी गई है उस से संबंधित राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर संयुक्त सलाहकार समितियां की जो बैठक है वो होनी है। कर्मचारी सरकार के देरी से लिए गए फैसले से नाराज भी रहा है और एक जो न्योता बैठक के लिए दिया गया है सरकार द्वारा उससे कुछ उम्मीद भी जगी है। जैसा कि आप सभी को भली भांति ये परिचय है कि कर्मचारी हो या आम जनता हो, जो सरकार चुनी जाती है उससे लोगों को भी अपेक्षा होती है और कर्मचारियों को भी होती है। तो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, शायद सरकार को भी कर्मचारियों की याद आई है कि हिमाचल में भी कर्मचारी चाहे, और सरकार भी जानती है कि सरकार के बिना कर्मचारी नहीं चल पाएंगे और कर्मचारियों के बिना सरकार नहीं चल पाएगी। मेरा साफ शब्दों में यही कहना है कि ताली जो है वो दोनों हाथ से बजेगी। आप कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे तो कर्मचारी भी आपका ख्याल करेंगे। बाकी हमारी जो कुछ एक मांगे चल रही हुई हैं जिसमें सबसे ज्वलंत जो समस्या चली है वो राष्ट्र स्तर पर भी है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन लागू है। तो हम यही चाहेंगे कि जो पुरानी पेंशन है उसे भी बहाल किया जाए ताकि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन नहीं ले पा रहे हैं और जिन्हें परिवार के पालन पोषण में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारी उम्र में जो कमाई उन्होंने की होती है उसका से 60% दिया जाता है और 40% उनको ये भी नहीं होता कि हमें मिलना भी है कि नहीं मिलना है। उसके बाद 2009 में एक डिसीजन हुआ था, एक ओल्ड पेंशन है जो स्कीम वाले लोग हैं, सॉरी जो जिनको न्यू पेंशन के स्कीम के जो अंतर्गत आ रहे हैं उनको एक अधिसूचना जारी हुई थी कि सरकारी सेवा के दौरान हैंडीकैप्ड हुए या जिनकी डेथ सर्विस के दौरान हुई है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, परिवार के किसी उसमें एम्प्लॉय की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो है वो पुरानी आधार पर वो जो पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो अधिसूचना अभी तक लागू नहीं हुई है। तो सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि उस अधिसूचना को तुरंत लागू किया जाए। महंगाई भत्ते की किस्तें पेंड पड़ी हुई हैं। सरकार से हमारा नाराजगी ये भी रहेगी कि अपने कोविड, माना कि कोविड के दौरान ये चीज़ें नहीं हो पाई थी लेकिन कोविड के कितना आज समय बीत गया है, लेकिन इन्हें अपनी बारी आती है तो सरकारी भत्ते और ये सब बहाल किया कर लिया जाता है लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए शायद
इनके खजाने खाली लगते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि कर्मचारियों की ये भी मांग है कि जो महंगाई भत्ते की किस्तें हैं उन्हें भी जारी किया जाए। अनुबंध कार्यकाल जो 3 वर्ष का है उसे घटा के 2 वर्ष किया जाए। जो अनुबंध का लाभ है रेगुलराइजेशन के समय जो दिया जाता है उसे भी नियुक्ति की तिथि से देने के लिए हम अनुरोध करेंगे। 4/9/14 का जो पिछले पे स्केल में था कि 4/9/14 का जो लाभ दिया जाता था तो वो 2 चिट्ठियां ऐसी इशू कर दी गई सरकार द्वारा, 7/7/14 और 9/9/14 की 2 चिट्ठियां ऐसी हैं जिससे इस लाभ से लेने के लिए कई हमारे कर्मचारी जो वंचित हो गए हैं और कईयों को मिल चुका है जिससे पे एनोमली बन चुकी है। तो हम ये चाहेंगे कि इस एनोमली को भी दूर किया जाए और जो 7/7/14 और 9/9/14 की जो अधिसूचना है उसे रद्द किया जाए। करुणामूलक आधार पर जैसे हमारे कर्मचारी साथी की सेवा के दौरान जो जिनका निधन हो जाता है तो उनके परिवार आज कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा ये अनुरोध रहेगा कि उनके परिवारों की स्थिति या उनकी समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि जो पूर्व में करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां दी जाती थी उन्हें कई सालों से बंद पड़ी हैं ये नियुक्तियां। तो हम ये चाहेंगे, कर्मचारी वर्ग ये चाहेगा कि जो करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं उन्हें भी शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं उनका मैंने मेरे संज्ञान में कई चीज़ें आई हैं कि उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि और काम उनसे बराबर के काम लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनसे मतलब ज़्यादा काम लिया जा रहा हो। तो हम ये चाहेंगे कि आउटसोर्स जो नीतियाँ जो कर्मचारी आउटसोर्स पे नियुक्तियाँ दी गई हैं उन्हें एक ठोस नीति बना के जो है रेगुलर किया जाए, विभागों में लिया जाए। और इनका मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, JOA जो हैं वो क्लैरिकल के पोस्ट पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब उनको नियमित करने या सेनोरिटी देने या किसी ठोस नीति बनाने की जब बात आती है तो इनको आउटसोर्स बता दिया जाता है। लेकिन जब इनकी पोस्टिंग दी जाती है तो क्लर्क पोस्ट के अगेंस्ट इनकी ट्रांसफर तक भी की जाती है जो JOIT लगाए जा रहे हैं। एक हमारा महिलाओं के लिए जो है वो चाइल्ड केयर लीव जो है उसके लिए 2 साल का हमारा मांग रहेगी। दैनिक भोगी बेलदारों के लिए 5 के बजाय 3 वर्ष में नियमित किया जाए, जो बेलदार जो है 5 सालों में उनको रेगुलर किया जाता है तो हमारी ये मांग रहेगी कि उन्हें 3 वर्षों में नियमित किया जाए। और हमारे विभागों में कई विभागों में ऐसा है कि कुछ एक कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको लाइफ टाइम कोई प्रमोशन नहीं मिलती है, तो हमारी ये मांग रही है कि उनको रिक्रूटमेंट में और जो है पदोन्नति के समय कोई ऐसे नियमों में जो है प्रावधान किया जाए कि उनको एंटायर सर्विस में कोई ना कोई पदोन्नति का लाभ वो ले सके। बाकी कई विभागों में जो है हमारी सेंक्शन पोस्टें जो हैं वो वैकेंट पड़ी हैं जिससे कार्य का जो भार है वो भी कई कर्मचारियों पे बढ़ गया है। हम ये चाहेंगे कि जो खाली पोस्टें हैं जो सैंक्शन पोस्टें हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सरकार भरने का प्रयास करे। इसके अतिरिक्त जो एक मांग पत्र है राज्य स्तर पर वो भी सौंपा जा चुका है। हमारे जिला स्तर पर भी अपना मांग पत्र उपायुक्त महोदय को सौंप दिया है, तो मैं भी अपने उपायुक्त महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो जिला स्तर की मांगे हैं उन्हें निपटाने के लिए एक जो शीघ्र ही एक JCC बुलाई जाए और 27 को तो जैसे राज्य स्तरीय JCC है उसमें जो मांगे होगी उस पर विचार विमर्श किया जाए और हमारी मांगों को जो है वो समाधान किया जाए। तो सरकार से मेरा ये निवेदन रहेगा किसी भी संस्था का या किसी भी सरकार की जो कार्यशैली है वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या किया है तब तक तो सरकार की जो मान्यता है वो क्या मानी जाए। क्योंकि हम तो 4 साल से यही देख रहे हैं कि कर्मचारियों का हर स्तर पर, जहां आप कई कर्मचारियों को तो हमारे नेता लोग
क्या कुछ बोल रहे हैं। चलो हम उसमें हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है, हमें जो ड्यूटी दी जाएगी हम करेंगे, सरकारी नौकर सरकार का जो आदेश होगा हम उसकी पालना करेंगे। कोविड के समय कर्मचारियों को अध्यापकों को हर किसी जगह लगा दिया गया बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी उसके साधनों के, लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने कार्य किया है। लेकिन उनकी उनको मान्यता देने के उनको या उनको मनोबल बढ़ाने के लिए तो क्या, लेकिन उनका मोरल कई बार डाउन किया गया है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ों से हाथ नहीं बोले, हम अपना काम करेंगे। सरकार चाहे सरकार अपना काम करे, कर्मचारियों का ध्यान रखे, तो मेरे हिसाब से कर्मचारियों का हित भी रहेगा। और कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वार्थों को, अपने निहित स्वार्थों को छोड़ के एक मंच पे आके कर्मचारी हित में काम करें, कर्मचारियों का भला करें। जरियाल जी इतने साल कहाँ थे, कहाँ गायब रहे, अब आई आपको याद जब इलेक्शन नजदीक है। बिल्कुल, इलेक्शन का तो खैर हमारे इसे संघ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन कहाँ तक रहने की जो बात है, क्योंकि आप जैसे भली बात ही परिचित है कि संगठन कई भागों में बंटा रहा। जब तक हमारे संगठन में, जब तक सरकार किसी को मान्यता नहीं देती, कोई भी संगठन मान्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। इसलिए आज अगर किसी संगठन को सरकार ने बुलाया, सरकार ने मान्यता दी है, तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ये क्लेम कभी नहीं करूंगा कि मैं इस संगठन का प्रधान हूं। जब तक मुझे कहीं से मान्यता नहीं मिल जाती, चार साल हम इसीलिए चुप रहे कि मैंने कभी इस चीज़ को क्लेम नहीं किया। मैं चुनाव लड़ा, जीता, बैठा, लेकिन मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं प्रधान, जब तक सरकार मान्यता या प्रशासन हमें मान्यता नहीं देगा तब तक मैं अपने आप को प्रधान नहीं मानूंगा। जरियाल जी, आपको लगता है कि जो JCC सरकार ने बुलाई है राज्य स्तर पर, उसमें कर्मचारियों की जो मांगे हैं या समस्याओं का निपटारा हो पाएगा? उम्मीद है कि जो मांगे मानने के लिए सरकार को माननी पड़ेगी। माननी इसलिए पड़ेगी क्योंकि सरकार ने देखा कर्मचारियों का अपना एक रुतबा है और कर्मचारी अब जो चाहे वो कर भी सकता है। क्योंकि कर्मचारियों को दोष दिया गया, क्योंकि मैंने पत्र उसमें समाचार पत्रों के माध्यम से देखा गया है, मैंने पढ़ा इस चीज़ को कि कर्मचारियों ने ये किया, उपचुनाव में कर्मचारियों ने साथ नहीं दिया। लेकिन कर्मचारियों का साथ क्यों नहीं दिया कि नहीं दिया ये तो गॉड नोज, लेकिन मैं ये चीज़ जरूर बोलूंगा कि कर्मचारियों का ध्यान रखोगे तो कर्मचारी आपका ध्यान जरूर करेगा। किस गुट से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सदस्य हूं। मैंने इसीलिए पहले भी आपको ये बोला कि क्लेम मैं नहीं करूंगा। अगर मैं किसी गुट से, मैंने अश्विनी ठाकर गुट ने मेरे को बुलाया या मान्यता दी है, तो मैं ये चीज़ कहूंगा कि अगर अश्विनी ठाकर को मान्यता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने चुनाव जीत के अगर इसमें संघ में बैठा हूं, तो मैं अपने कर्मचारियों के बलबूते पे बैठा हूं, अपने कर्मचारी साथियों के बलबूते पे।